अम्बाला शहर आज उस वक्त गोलियों की आवाज से गूंज उठा जब अज्ञात बदमाशों द्वारा कालका चौक पर दिन दहाड़े गाड़ी सवार चार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। फायरिंग के दौरान गोली लगने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को पास लगते नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक की गंभीर हालत देखते हुए उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और हमलावरों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वो भी क्लियर नहीं किया, अभी कह रहे हैं कि दो की डेथ होगी है, अभी ये बताया डॉक्टर अभी क्लियर करते हैं कि आपको जिनकी डेथ हुई है वो भूपी राणा ग्रुप के हैं। वो भूपी राणा ग्रुप के जिनकी डेथ हुई है, ये है जो मारने वाले हैं, ये है जो ये अभी तक आज इससे यही पता चला। कोर्ट में पेशी से आ रहे थे वापस, अभी ये कोर्ट में कह रहे हैं गए थे, लेकिन किस कोर्ट में अभी ये नहीं बता पा रहे हैं, और कोर्ट से पता किया तो ये कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए हैं किसी कोर्ट में। आज ऐसी बात आई, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में गए थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारे को ये बोल दिया गया है कि आज कोर्ट में पेशी नहीं। सर, 12 साल बाद अम्बाला में गैंगवार की फिर से दस्तक हुई है, क्या पुलिस की के पास इनपुट नहीं था कि ऐसा कोई हरकत अम्बाला में हो सकती है? अगर ये होती पहले तो हम होने ही क्यों देते, ये बात ऐसी नहीं थी। कालका चौक पे भी पुलिस का पहरा रहता है सर, जो ये मुकदमा है कालका चौक पे पुलिस है, ये मानने वाली बात है। जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी का एक ढेर था सड़क से इस किनारे, जहाँ गाड़ी आस्ता हुई वहाँ जो ये अपनी व्हीकल चले हुए थे वो खिसक खिसक के थोड़ा चल रहे थे आराम से। कालका चौक पे सीसीटीवी लगा हुआ है क्या? उसको करेंगे हम सब, ये इसकी करेंगे, उसके लिए टाइम चाहिए ना, वो हम इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, वो करेंगे। लगभग ये भी बात आई है कि दर्जनों राउंड फायर हुए हैं। सर, कट्टा बरामद हुआ है, ये जो राउंड फायर है ये पिस्टल के हैं? यूथ कहाँ के रहने वाले? अभी इसका एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कुछ राउंड मिल रहे हैं, उसमें मिले जुले हैं, क्योंकि दो आदमियों ने ये लगे हैं वहाँ के, भी दो आदमियों ने फायर की है, अभी तक यही आई है, और एक आदमी गाड़ी में था। अभी प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने यही चीज बताई है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, कौन से राउंड है, किस वेपन से चले हैं, वो आगे का। गाड़ी में लूटी भी थी, गाड़ी में लूटी भी थी, महिला भी थी, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी हमारे नॉलेज में। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर चारों युवक अम्बाला कोर्ट में पेशे के बाद वापस घर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में हथियार से लैस दो बदमाशों ने गाड़ी के आगे कार लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया, और ये मामला दो गुटों की आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह के करीब 11 बजे हुए थे, जब दिन दहाड़े अम्बाला के कालका चौक पर कुछ बदमाशों ने कार सवार चार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें कार में सवार चारों युवकों को गोलियां लगी, और घटना के तुरंत बाद सभी को शहर के नागरिक अस्पतालों में लाया गया, जहां दो युवक पंकज और राहुल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दो गंभीर रूप से घायल अश्विनी और गौरव का इलाज शुरू किया गया, जिसके बाद गौरव की हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, तो वही घायल अश्विनी का इलाज अम्बाला के ही नागरिक अस्पताल में ही चल रहा है। पुलिस के अनुसार चारों युवक पंचकुला के राजीव कॉलोनी और मोली जागरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो ये हमला भूपी राणा ग्रुप द्वारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सदस्यों पर किया गया है। बहरहाल अम्बाला पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।